तो भाई ये गुड मॉर्निंग, बात करते हैं आने वाले वीक में क्या रह सकता है मार्केट में, ठीक है? और हमने पिछले वीक में क्या बताया था, ठीक? इसके बाद लेविल्स राशिफल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक की। मैंने बताया था 3 दिन मार्केट अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन बाई ऑन डिप्स रह सकता है। पहले 3 दिन नीचे गया है मार्केट, 3 क्या 5 दिन मार्केट नीचे गया है। लेकिन जहां 2 दिन बाई ऑन डिप्स बोला है, एक्सपायरी वाले दिन देखो, जो कॉल के प्राइस थे नीचे से बाई की तो 1.5 गुनी हो गई, मतलब 150% प्रॉफिट दिया। जो फ्राइडे को 80 रुपए की कॉल थी निफ्टी की, वो 213 गई, मतलब 130 से 40% कॉल ने पैसा दिया। ऊपर रेजिस्टेंस था, 3 दिन से सेलिंग हो रही है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई यहां पे सेल ही बनता है। दूसरा, मैंने आपको उसमें डाल दिया था फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे कि निफ्टी का ये है 51,750, शायद फ्यूचर में था ये रेजिस्टेंस है। फिर 41 जो हाई लगाया मैंने कि ये हाई हो गया, अब यहां से अगर ऊपर जाएगा तो मोर अपसाइड पॉसिबल। अगर इसको क्रॉस करता है, वो क्रॉस ही नहीं किया, वहां से मार्केट में सेलिंग आ, तो तकरीबन जो बताया वो ही हुआ। अब कुछ आदमियों के मार्केट जिनके समझ में ही नहीं आता, समझने से परे चीज है जिनकी, मतलब जो जानते ही नहीं है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या करना है, वो उन लोगों को मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। पैसा ऐसे ही जाता है बिना मतलब के, ठीक है? देखो, कोई ना कोई चीज, आप कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? आप कहीं जा रहे हो या आर्मी है, अगर एक जवान के पास एक हथियार है कि भाई मैं 20-50 आदमी को मार दूंगा, मेरे पास 300 राउंड है, उसको कॉन्फिडेंस है, वो अकेला खड़ा है बॉर्डर पर रात में भी, तो कॉन्फिडेंस है। किस चीज का कॉन्फिडेंस है? हथियार का कॉन्फिडेंस है। आप लोग कुछ नहीं सीखोगे, किस चीज का कॉन्फिडेंस है? जीरो कॉन्फिडेंस। तो आप ट्रेड में ही नहीं बैठ पाते हो भाई, जो ट्रेड है लॉस वाले को देखते हो कितना हुआ, 5,000, 3,000, 7,000, 10,000, और जो प्रॉफिट वाला है वहां भाग जाते हो, यार नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है मार्केट के अंदर। जैसे गिरा भी है उसमें भी आप लोग पैसा नहीं कमा पाए, जो मार्केट बढ़ा था उसमें भी आप पैसा नहीं कमा पाए, मेरी बात समझ रहे? अभी बढ़ा था 6-7 दिन मार्केट, मैंने इसलिए ईयरली वाले ग्रुप का 5% मार्केट ऊपर जाएगा आपको कोई नहीं बताएगा, नहीं तो वो सिंगल सिंगल स्क्रीनशॉट भेज देना जिसने आपको राइटिंग में दिया हो कि मार्केट 5% ऊपर जाएगा, वो भी डेट के साथ है, 1 सितंबर से ये डेट थी हमारी, मैंने वो लास्ट डेट काटी हुई थी। बात समझ रहे? मैं आपको कहीं ना कहीं हिंट तो दे ही देता हूं, पूरी डेट ही तो नहीं बताई वो डेट। भाई देखो, कुछ एक सीक्रेट होता है, नहीं तो उस आदमी को कौन पूछेगा, कौन उसका ईयरली ग्रुप में आएगा, सीधी बात है, ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको लास्ट डेट काटी थी, बताया था ये 5% काउंट करो, मार्केट ऊपर गया, ठीक है? जब ऊपर चला गया मैं बोला यहां से 3 दिन ठीक नहीं लग रहे, बात समझ गए? वो जो मार्केट गिरा है, कोई वो ऐसा नहीं था कि सडन गिर गया या कोई योग नहीं थे, वो मार्केट सही गिरा है, सही टाइम से गिरा है, ठीक है? तो मेरी बात समझ गए ना? आप ऊपर जाने में प्रॉफिट ले पाए ना नीचे। तो कोई ना कोई हथियार, कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई टेक्निकल फाइनेंशियल एस्ट, तो कुछ चाहिए जो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस दे। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट नहीं है। मैंने कुछ एक चीजें लिखी हैं, देखो ये हम अभी चल रहे थे पिछले वीक की बात कर रहे थे, पहले वो आते हैं। मैंने आपको 3 पार्ट में मार्केट बोला था, पहला इस साल का बचा हुआ, पहला कॉल का मार्केट है, कॉल का हो गया, अभी मार्केट पुट और कॉल का दोनों का आएगा, ठीक है? शुरू हो चुका है ये पुट
पुट और कॉल दोनों को पैसा मिलेगा इसमें। अब कोई आदमी बोलेगा मेरे कोई ये नहीं हुआ यहां से नहीं, तो वो तो आपको पकड़ना है ना भाई, कहां से मार्केट लौटेगा। दो तीन तो टूल ही है, फिबोनाची लगा लो भाई, 50% पे आएगा 60 पे आएगा, कहां से लौट रहा है। मैंने एक सुपर ट्रेंड बताया है वो समझ लो, इतने टूल बहुत हैं आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, समझ गए। इसके बाद फिर पुट का आएगा, तो मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। बड़े वाले वीडियो को देखना, फिर 1 घंटे का वीडियो है YouTube के ऊपर डाला हुआ है, उसको एक बार सुन लो। ये तीनों चीज इस बची हुई साल की थी, ये 2024 की, ठीक। कहानी खत्म। कुछ आदमी ने क्या किया था, एक या दो आदमी ने लिख के डाला, आपने बताया नहीं, आपने बाई ऑन डिप्स बोल दिया, मार्केट तो नीचे आ गया। फ्राइडे की बात है शायद, या उससे पहले की, तुम जानती ही नहीं यार मार्केट को, मार्केट तो नीचे भी आएगा ऊपर जाएगा, हम कोई भगवान थोड़ी भाई। आपको इसलिए इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है, पर आप जो देख रहे हो या हमारे को फॉलो कर रहे हो उनको पता है कितने परसेंट सही होता है पिछले 5-6 साल से। सारी चीजें अगर ये नहीं होती मार्केट में तो आप मेरे को बता देना इस साल भी, ठीक है। और जो ईयरली में जुड़े हुए हैं, अभी कौन सा 8 महीना हो गए, अक्टूबर जनवरी से, और ये मतलब 10वां महीना शुरू हो गया, उनको पूछ लो। कोई आदमी हमारे को लिख के डाल सकता है कि भाई जो आपने बोला वो मार्केट में हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरा मानना ऐसा है अभी जो आने वाला वीक है, हम कहीं इस रेंज से, निफ्टी की रेंज है, बैंक निफ्टी की है 24,700-24,800 के आजू बाजू जा सकते हैं मैक्सिमम, और यहां से लौटना चाहिए, ठीक है। ये यहां से लौटना चाहेंगे इस रेंज से। अब आपकी कमी क्या है, यहां पर सुनो। देखो भाई मैं कह रहा हूं यहां से लौटना चाहिए, तो तुम वहां इंतजार करो ना, कहीं कंसोलिडेट करेगा मार्केट 2-4 घंटे, या इतना फॉल आया है तो हो सकता है कि एक दिन भी कंसोलिडेट करे, ऐसे कहीं कंसोलिडेट करता है फिर बाई करो ना, एकदम कूद के क्यों पड़ते हो कि लॉस हो जाए, एक दिन निकल जाएगा फिर अगले दिन आ जाएगा, तो मेरी बात समझ गए। तो मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट बाई ऑन डिप्स है और बोथ साइड है, लेकिन नीचे का नहीं है, मेरी बात समझ गए। आपको पूरे चाहे टेक्निकल देख लो, फाइनेंशियल एस्ट कुछ भी देखो, पूरे यूट्यूब पे आपको क्या बोलेंगे, अभी भी आपको क्या बोलेंगे, यहां से मार्केट बड़े बड़े नीचे के लेवल, बड़े बड़े नीचे के लेवल लगाए हुए हैं मार्केट में कि नीचे गिर जाएगा, बात समझ रहे। मार्केट में करेक्शन है, हम बात कर रहे हैं अभी एक वीक की, जो आने वाला वीक है। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों साइड रहेगा मार्केट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ो, आगे कुछ आने वाले वीक भी ऐसे रहेंगे, और बाय ऑन डिप्स भी है इस वीक के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। हरियाणा और J&K के जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें BJP नहीं आ रही है, ये नेगेटिव है मार्केट के लिए, लेकिन इसका करेक्शन हो गया मार्केट में। मार्केट पहले करता है काम, जहां से आपकी सोच शुरू होती है वहां उनकी खत्म हो जाती है भाई, मेरी बात समझे। एग्जिट पोल आ जाए, मार्केट का करेक्शन पहले 1.5 हजार, जो 4.5% मार्केट गिरा है वो पहले आ गया, जहां तुमने सोचना शुरू करोगे अभी कल या आज डाले हैं एग्जिट पोल, तो वो जब आए और वो शुरू की, वो कार्रवाई हो गई पहले, खत्म कहानी। दूसरा, चाइना में पैसा जा रहा है, बस समझ रहे ना, वो भी नेगेटिव है, FII निकाल रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, पर भैया 10-20 हजार 1 लाख करोड़ नहीं, उन्होंने 2 लाख करोड़ के अगर शेयर खरीदे थे ना, तो 2 लाख के 12 लाख 10 लाख करोड़ रुपया हो गया उनका, मेरी बात समझ गए।
कोई भी शेयर अगर हम एवरेज लेके चले ना तो 5 से 6 गुना हुआ है कोविड के बाद। मैं एवरेज बोल रहा, कोई 20 गुना, कोई 50 गुना भी हुआ, कोई 30 गुना हुआ, कोई 15 गुना, कोई डबल, इन सब का अगर मैं छोटा एवरेज लेता हूं तो 5 गुना हुआ। तो अगर 5 से 7 गुना हुआ और उन्होंने 1-2 लाख करोड़ रुपए लगाए तो वो तो 10 लाख करोड़ हो गए। अगर सेल भी कर दी होगी तो 2 लाख करोड़ की हो गई होगी, उतनी हुई नहीं अभी तक। तो अभी तो कुछ नहीं निकला, पैसा ऐसे कहीं निकल के नहीं चला जाता और चाइना कहीं हवा में नहीं उड़ जाएगा, वो भी धरती पे ही है भाई। उनके मार्केट डबल हो जाएंगे, 30% बढ़ गए, 35%। तो जो आपकी जितनी न्यूज फ्लो है ना, मैं उसके अपोजिट बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ गए? मैं सारी चीज के अपोजिट बता रहा हूँ आपको और इस वीक का बता रहा हूँ इसको। और अगर जिसने आगे पूरी साल का देखना है तो ये ले लो एवरेज यहां से यहां तक, अगर आप जानते हो, ठीक है भाई। तो आपको पता लग गया कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ठीक है, सारी चीज क्लियर है। अब लेवल्स की बात करें, यहां से यहां अगर ऊपर जाता है, ये अगर ऊपर जाएगा तो पहला पड़ाव कौन सा आएगा? 150, 25,150, 250, 450 जो फ्यूचर में था उस दिन का हाई था, फ्राइडे का जो हाई था, ऊपर से शायद 500-600 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा था, तो वो जो हाई था थर्ड में जाकर वो रेजिस्टेंस बनेगा। इससे पहले 2 और है। ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया था, फ्री वाले चैनल पर लिखा हुआ है, वही रजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तो ऊपर की बात, ठीक है। पर हम कहीं ना कहीं तोड़ के ये जो हमने अभी हाई बना दिया, क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, ये जो सितंबर का हाई लगाए, ये मतलब मैं 100% गलत हो सकता हूं, इस चीज को आप मान लेना, 100% गलत। ये जो टॉप लगाए ये अभी नहीं घट रहा, ठीक है, जल्दी नहीं घट रहा, मेरी बात समझ गए? ये जो टॉप लगाए सितंबर का, और ये सितंबर वाला टॉप एक इससे पहले वाला सब जनवरी में लिख के दिए थे, कहां कौन साल में कहां टॉप लगेंगे, तो वो टॉप लग गए। एक पीछे लगा था, मेरे को डेट नहीं ध्यान, ईयरली वाले में दिया था मैंने लिख के, और एक टॉप सितंबर में था वो लग गया, और ये अक्टूबर आ गया। टॉप वाली बात भूल जाओ, किसी को क्लियर कर रहा हूं ये चीज, किसके हिसाब से? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जो टॉप लगना था सितंबर में लग गया था, एक शायद मई में था या अप्रैल वहां कहीं था, वो भी लग गया। तो इस साल के 2 टॉप थे, वो कहानी खत्म हो गई इस साल की, ठीक है। तो आपने टॉप भूल जाना है अभी, और ये क्या ध्यान रखना है, 100% गलत हो सकता है। अब गलत कब होगा? जब ऊपर वाले लेवल चलना शुरू करेंगे मार्केट में, ठीक। अभी लेवल्स का मैंने बता दिया आपको, वही मोटे मोटे लेवल हैं ऊपर वाले, ज्यादा होगा तो फ्री वाला चैनल देखना, कल डाल दूंगा। अच्छा, जो आदमी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम ईयरली वाला ग्रुप कर सकते हो। मैंने ज्यादा आदमी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए नहीं, हम ईयर का ही देते हैं, अब से लेके दिसंबर तक का दे रहे हैं, जो ये बचे हुए 2.5 महीना, ठीक है। कुंडली आप किसी भी टाइप की, आपकी अगर कुंडली है आप दिखा सकते हो, कुंडली तो सभी समझते हैं। मैं आपको एक रेशो बताऊं, क्या रेशो है, 100 आदमी ने पूछा ना, जबकि पैसा 1100 रुपए है मार्केट के, बात समझ रहे? इससे कंपनी 5 साल पहले भी इतने लेते थे, आज अगर 100 आदमी मेरे से पूछते हैं कुंडली दिखाना है तो 20 तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, 15 या 10 आदमी पूछते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है, आप बताओ कितने दुर्भाग्य की बात है। इसके अंदर हम बताते ही नहीं, कुंडली पकड़ के मैं बता देता हूं आपकी कमी क्या है, ये 2 कमी है या ये कुंडली से 3 कमी है, आपकी ये 3 कमी है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, क्लियर बोलता हूं। आप बार बार पैसा ला रहे हो, डाल रहे हो, पैसा खत्म हो रहा है, आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है ना, रास्ता यार हमारी किस्मत में नहीं, जो भी है, तो मैं दूसरे काम की तरफ, देखो मैं पिछले 6 साल से एक ही बात बोल रहा,
जब इंसान पैदा हुआ परमात्मा ने हर इंसान में कोई न कोई खासियत दे दी, समझ रहे? खासियत मतलब हर इंसान को अलग टाइप बनाया। देखो एक आदमी खेती बहुत अच्छा कर लेता है तो वो जॉब नहीं कर सकता, जॉब वाला खेती करने के लिए रोएगा, ठीक है। एक आदमी आपका फ्लैट को उड़ाता है और उससे साइकिल नहीं आती चलानी, क्योंकि उसने फ्लैट पे ज्यादा प्रैक्टिस मारी, बात समझ रहे? या देखो जो ये बड़ी चीज होती है ना फ्लैट, ये ब्रेन जो है एक साथ 6 से 7 फंक्शन करना चाहिए, मेरी बात समझ गए? ब्रेन हमारा 6-7 फंक्शन एट ए टाइम करना चाहिए। भाई एक फ्लैट जा रहा है, उस वो देखा आगे से आ रहा है कोई फ्लैट, उसमें 3-4 ऑप्शन है, उस फ्लैट से ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, लेफ्ट चला जाए, राइट चला जाए। रोड पे आपके पास एक है, फ्लाइट में 4 फंक्शन, मतलब 4 चीज एक पायलट कर सकता है एट ए टाइम। नीचे ले आएगा 100 मीटर, वो ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर उससे ले जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, राइट ले जाएगा, लेफ्ट से निकल जाएगा, उनके भी रूलिंग है। पर बात समझ रहे ना कि भाई जो फ्लाइट आ रहा है, तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि एक जो उड़ा रहा है फ्लाइट को, उसके नंबर ऑफ जो थिंकिंग पावर है वो अलग है और हाई है। ऐसे ही मार्केट के लिए कॉमन आदमी की सोच से ये परे काम करता है। मैं क्या बोला, हरियाणा पंजाब में नेगेटिव मार्केट पहले गिर गया, अब आप सोचोगे कल गिर जाएगा, परसों गिर जाएगा और गिरते गिरते जीरो हो जाएगा। आप 1000 वीडियो यूट्यूब पर देख लो, सब गिरा रहे हैं मार्केट को। जहां मैंने आपको क्या बोला था कि भैया 30% जन पता नहीं कोई गिरा रहा था आपके बहुत में, मैं भाई मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, अभी 5% 1 तारीख से गिन लो 5% जाएगा। आप 1 से गिन लिया, 5 तक हो गए आप, भाई 1 तारीख से गिना, 5% बढ़ा, आप निकल जाओ। आप गाड़ी में जब 2% बढ़ गया चढ़े तो 3% का आनंद ले लिया, कोई 3% पर चढ़ा तो 2% का आनंद ले लिया। तो ये चीज तो आपको बताई थी ना मैंने, बात समझ रहे? तो वहां उतर जाओ ना, क्यों बैठे हो फिर उस पर कि भाई 5 बढ़ेगा तो फिर क्या सोच रहे कि उस टाइम सब ऊपर ही जाएंगे। जबकि मैं आपको वीक में बता के गया 3 दिन मार्केट ठीक नहीं, 3 दिन तो यार बहुत होते हैं ना, ठीक। तो ये कहानी पहले कर ली, तो ये जो प्लानिंग है पहले आ जानी चाहिए आपको, ये कब आ सकती है। तो इसलिए मैंने आपको 2 शब्द ही बोले और मैं कुंडली का आपको बोल रहा था। फिर उसके बाद जो उपाय करोगे, उन उपाय करने से मार्केट से पैसा ना आए, दूसरे रास्ते से तो कुछ बात हमारी बन जाएगी कम से कम कि भाई ये कर लेते हैं ये नहीं। तो भाई देखो अभी चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने किया नहीं है लाइक और सब्सक्राइब वो इसको कर लो, वो आपकी राजी है। आपके लाइक ज्यादा नहीं, 1000 से कम होते जा रहे हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पे कौन से सेक्टर चल सकते हैं, ठीक है? सेक्टर सेक्टर गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस। सेक्टर में आपने ध्यान रखना है, माइनिंग सेक्टर रखना है, स्टील सेक्टर को आपने ध्यान रखना है, माइनिंग स्टील और डिफेंस। माइनिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टील और डिफेंस, ये सेक्टर हो गए। ये अभी कोई नाम भी नहीं ले रहा होगा इन सेक्टरों का। स्टील सेक्टर दो वीक पहले बताया था, उसको देख लो, और 2 वीक हो गए अभी भी बता रहा, और बेवकूफ आदमी आपको क्या बोलेंगे, ओवरबॉट हो गया। और मैं क्या बोल रहा हूं, खरीद लो, अभी भी बोल रहा हूं। और अब जब 2 वीक हो जाए फिर इसके लेवल देख लेना कहां पहुंच गया। देखो होता क्या है मार्केट में, तुमने रखना क्या ध्यान है,
खरीदारी हमेशा बनती है। कोई चीज जब यहाँ जाती है ना, जैसे ऊपर यहाँ पहुंच गई, फिर वो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ आएगी, तो ये एक सपोर्ट होता है। अब ये सपोर्ट आपने जानना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है सुपर ट्रेन से 4 घंटे 1 घंटे और उसका देख लो, डे का, डे से तो लौट ही जाएगी। डे का मिलता है बहुत बढ़िया, 4 घंटे का मिलता है बहुत बढ़िया, 1 घंटे का मिलता है बढ़िया, फिर यहाँ से बाय कर लो, फिर जाएगी। तुम क्या करोगे, यहाँ खरीदोगे इसको। और ये जो यहाँ तक आई है, इस रास्ते में जो आई है ये इतनी, वो लॉस में बैठे रहोगे, फिर ये जाते जाते यहाँ से जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसके बाद गोल्ड और सिल्वर, ये अभी थोड़ा आराम मानने के मूड में लग रहा है, मेरी बात समझ गए। अभी जो हाई लगाए 1-2 दिन पहले से, इससे पहले मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे आना चाहिए, और नीचे आते हैं फिर बाई बनेगी। कम से कम 1,500 पॉइंट गोल्ड और 2,500 सिल्वर जब बाइंग बनेगी। इन दोनों को शॉर्ट नहीं करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट नहीं करना, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था ये आंसू निकाल देंगे आपको, जब कहाँ चल रहे थे ये 65,000, और हमारा टारगेट क्या था 1,00,000 का, गोल्ड का क्या था $30,000 का, बात समझ रहे। जब ये नीचे घूम रहे थे, जब की बात है और इसी साल की है, तो वही बोल रहा शॉर्ट नहीं करना है, इंतजार करना है। दो चीजें, या तो इन दोनों के ऊपर चली जाए जो अभी हाई लगाया, बाय कर सकते हो, या फिर जो नीचे वाला काटा है, नीचे समझ रहे, जो नीचे काटा हुआ है फिर आप बाय कर सकते हो। इसके बाद में क्रूड ऑयल अभी ऊपर जाएगा, जहां चल रहा है यहां से 150-200 पॉइंट ऊपर जाता है, वो 65,500 और 6,600 के करीब ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां से फिर लौट आएगा ये, और जहां लो लगाए तो तकरीबन उसी रेंज में हम फिर आ जाएंगे, मेरी बात समझ गए। ऊपर जा सकते हैं 200 पॉइंट, फिर नीचे आ जाएंगे हम। नेचुरल गैस साइडवेज 1 वीक के आराम मार सकती है, 1 नहीं तो पहले 2-3 दिन थोड़ा आराम करेगी। इसका भी जो 255 हाई है, अगर उसको काटती है फिर आप बाय करना, ठीक है। BTC अभी कहीं नहीं जा रही, यहीं घूमेगी बिटकॉइन रेंज में। इसका जो बुलिश मार्केट आने वाला है, अभी उसमें टाइम है, ये 24 निकाल दो, 25 निकाल दो, 26 में बात करेंगे बिटकॉइन के बुलिश मार्केट की। ये लाइन को नोट करके कहीं कॉपी में रख देना, और जब ये टाइम आए तो फिर मेरे को याद करना कि क्या बोला था, कौन सा 2026, आज की डेट नहीं है ये, बात समझ रहे, ये आज की डेट नहीं है वो। तो वहां जब आएगा आपको पैसे बनेंगे, मैं बताऊंगा। मैं नेचुरल गैस बताई थी 20% बढ़ेगी, 20% बढ़ी, मार्केट 5% बढ़ा, नहीं बढ़ा, फिर कहां टेंशन है। अब भाई वीडियो हो गया बड़ा, इसके लिए सॉरी, थैंक यू, जय हिंद। आज संडे था और मैं भी मूड में था कि भाई आज अच्छे से बताता हूँ।